पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। और जहां बहुत कुछ मिल रहा है उसके बारे में कहा जाता है कुछ है ही नहीं वहां पर, कुछ निकला ही नहीं वहां पर, कुछ था ही नहीं वहां पर। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर हम इनकी तुलना करें जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें, तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के, इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी सरकार में आई है। लोगों को न्याय नहीं मिलता, तहसीलों में जान दिए उन्होंने, अधिकारियों के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की है। और सोचिए मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में कितने ऊंचे खंभे पर केवल न्याय मिल जाए, उसकी बात सुन लें, उसलिए गरीब को कहां कहां नहीं जाना पड़ रहा है। जिन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए वो मन विधान के हिसाब से चल रहे हैं। और जो नारा कभी अंग्रेजों ने लगाया था, अंग्रेजों के जो विचार थे, अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए लेकिन अंग्रेज अपने विचार वंशी लोगों को यहीं पर छोड़ गए, जो विचार अंग्रेजों के थे वही विचार इस सरकार के हैं। दिल्ली और लखनऊ सहयोग से चलने चाहिए, यहां तो विरोध से चल रहे हैं, डबल इंजन उल्टे लगे हैं, या आमने सामने दोनों एक दिशा में नहीं है। लगता तो यह है कि डबल इंजन जो इंजन है अब एक दूसरे को खींच रहे हैं। किस दिशा में खींच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। जिन्हें सामाजिक सौहार्द के पुल बनाने चाहिए थे वो नीचे नीचे बारूदी सुरंग फैला रहे हैं। इसलिए इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि इनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत उपचुनाव से होगी। इसीलिए घबराए हुए हैं और इतने घबराए हुए हैं कि वो उन्होंने अधिकारियों को अपना पदाधिकारी मान लिया है, उन्हीं से काम ले रहे हैं। उन अधिकारी और सरकार के लोगों को नहीं पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता उनके खिलाफ है। जनता उनके खिलाफ है तो क्या करेंगे अधिकारी और क्या करेंगे और लोग। इसीलिए आपने देखा हो उनकी भाषा कितनी बदल गई, भाषा में क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग। हमें उम्मीद है कि आज जब हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं खजांची का, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ ना कुछ उपहार खजांची के लिए जरूर भेजेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी नेता और जनता डट करके मुकाबला करेगी। उन्हें आई साइट चेक करा लेनी चाहिए अपनी, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे नहीं हुए। अगर मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं उसका आधार क्या है? कोई आधार तो होगा, कोई आंकड़े तो होंगे। इसीलिए जो अपने सच्चे मुकदमे वापस लेते हो उनसे क्या उम्मीद करोगे? मुझे उम्मीद है कि जो 50वें पायदान से जो सबसे ऊंचे बैठ गए हैं, जो 48 पायदान पे अधिकारी हैं, उनसे जाकर के चर्चा कर लो इस बारे में। और जिनके पास कार्यकारी हो, सब कार्यकारी ही हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? उनसे क्या संभलेगा?
सर पार्टी की तरफ से कई बार ज्ञापन दिया गया है ईसी में कि जो कटहरी और कुंदरकी विधानसभा की सीटें हैं वहां अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सपा की जो गाड़ियां उनको जब्त कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है, अब वो अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जनता उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। और सर लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर जी का एक आवास है, वहां दो महीने पहले चोरी होती है, उसकी एफआईआर दो महीने बाद होती है और उनके घर से चोरी हो जाती है। ये छोटी चोरियों के बारे में बात कर रहे हो, दूसरे प्रदेश में एक बड़ी चोरी हुई उसके बारे में कब चर्चा करोगे? कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है तब कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहां मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। यह सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, इसके अंदर नेगेटिव लोग हैं जो सच भी स्वीकार नहीं कर रहे, सामने जो हो रहा वो भी नहीं स्वीकार कर रहे। सोचिए कहां पर खाद मिल रही है। और दुख तो तब है आपके लाइव चैनल भी वहां नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम आप थोड़ा बहुत इधर उधर सोच सकते हो, लेकिन आपका कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा। केवल लाइव कैमरा कर दो, आपको सब उत्तर प्रदेश की लाइनें दिखाई दे जाएंगी कि खाद की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं। आप कुछ मत बोलना, केवल अपना कैमरा लाइव कर देना, पूरा देश प्रदेश और जो लोग ये कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है वो जान जाएंगे। उन्हें किसान से कोई उनको प्रेम नहीं किसान से, ये लोग तो केवल पहले बोरी में चोरी कर रहे थे, पूरी बोरी चोरी कर ली, कहीं नकली खाद पकड़ी जा रही है। जो नकली खाद पकड़ी भी जा रही है, जो खाद माफिया है वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग मिलकर के खाद माफिया के साथ ये सब काम कर रहे हैं। अगर हमें अगर आप कहीं उम्र कम करा दो तो खजांची को मैं सदन ले जाऊं, उससे बड़ा प्रमाण कोई हो तो बताओ। अगर उम्र कम हो जाए तो मैं उसको ले जा सकता हूं। क्यों उम्मीद कर रहे हो उसे नौकरी देंगे? इससे पहले भी कई नौकरियों के पेपर लीक हुए, जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं सुन रही सरकार, सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है। ये नौकरी नहीं देना चाहते, इनकी नौकरी एजेंडा नहीं है इनकी सरकार में। मैं साली जी के लिए क्या कहेंगे जब महाराष्ट्र में नेताजी ने बुलाया, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। नहीं, परीक्षा वो कराने नहीं चाहते, नियत नहीं है सरकार की वो परीक्षा कराने की, और केवल एक भर्ती नहीं, पूरी भर्ती इसी तरह निकाली इन्होंने। सोचिए जब इन्होंने पुलिस की भर्ती की क्वेश्चन पेपर्स क्या कहा, कि इतनी बड़ी परीक्षा हम लोगों ने करा ली, 30% बच्चे परीक्षा नहीं लिख पाए, और फिर क्वेश्चंस कितने गलत हो गए, कितने क्वेश्चंस गलत हो गए, सोचिए आप, बच्चों को कहां भटकना पड़ा। तो इनकी नियत नहीं है नौकरी देना, इनकी मंशा नहीं है नौकरी देना। इसीलिए मैंने कहा कि जो इनकाउंटर सरकार है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, जितने दिन सरकार में रहेंगे लोग उतने दिन नहीं बचे सरकार के। अब हमारे पत्रकार मित्र राजेश जी नाम है, तो सुरेश जी, बाजार में देखो वैल्यू ऑफ मनी क्या बची है, केवल
डॉलर रुपया की तुलना नहीं, वैल्यू ऑफ मनी क्या बचा है, पैसे की सब कुछ वैल्यू खत्म कर दी उन्होंने। उनसे कही कि बारूद बिछाना छोड़ दें,